तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इतने गरीब गरीब परिवारों से उन्होंने सरकारी नौकरी दी, रोजगार दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हाईकोर्ट से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाए। और इतने दिनों तक, मतलब हमारा रिजल्ट आया था 15 दिसंबर 2021 को, और अब 15 दिसंबर 2022 होने को आ गया है, लेकिन हम दर दर की ठोकरें खा रही हैं। यहाँ पर सारी बहनें ऐसे बैठी हैं बिल्कुल घर को छोड़े हुए, और हम चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारी ज्वाइनिंग करवाए, अर्ली एयरिंग करवाए या कैसे भी करवाए हमें ये नहीं पता, लेकिन हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाए, ताकि हम यहाँ से जब भी उठेंगे, जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमारा कल का मोटो है भाई अल्लाह बोल है, जो कि हम रोड प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद 2 दिन के बीच में अगर सरकार हमारी सुनती है तो ठीक है, वरना हम 11 तारीख से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री और जो जितने भी हरियाणा सरकार से, मेरी अपील है कि हम यहाँ पर सभी युवा बेरोजगार हवलदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं सुन रहा। हमने बहुत मुश्किल से पहले हमने पेपर पास किया और फिर फिजिकल दी और फिर डॉक्यूमेंट तक, इतनी 2019 की भर्ती है हमारी, अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो हरियाणा सरकार से हमारी अपील है कि हमारी जल्दी से जल्दी कोर्ट में हियरिंग करवाए, ये बच्चों के साथ ऐसा अन्याय ना करे। हमारी 2019 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यही अपील है कि हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाए। और यहाँ पर धरने पर सर्दी के अंदर बैठे हुए बच्चे, गरीब परिवार से बैठे हैं, 6600 परिवार दुखी कर रखे हैं सरकार ने, तो कब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे? हरियाणा सरकार से और माननीय सर, मैं तो एक बात कहना चाहूँ सब भाइयों ने, सब ने पता है, सारे भाई है 25 साल के हो रहे हैं, लगभग 25 तो ऊपर भी जा रहे हैं, मानते हो कि इस बात ने? और जब हमने तैयारी करते कम से कम 7 साल हो गए होंगे, किसी ने 5 साल भी हो रहे हैं, तो सारे बाढ़ किसे हैं, कोई सा एक नंबर पर रह रहा, पॉइंट पर रह रहा है, और फाइनलिस्ट में जा जाकर सारे बैठे हैं, ये तो रहे ओड हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मेरी माँ नू बोली कि बेटा अपने बस की कोने सरकारी नौकरी, तेरे कर्मा में है कोना, फिर भी बीजेपी की सरकार देख तो है, मगर माँ इसमें पढ़े लिखे बालक लागे हैं, और इसमें 2 दिन भर्ती करी है, माँ कहती सारे जो पढ़ने बालक है, गरीब घर के बच्चे हैं, वे लगे हैं। तो मेरी माँ ने बोली चल बेटा एक मौका और दे दूँ तेरे तय। तो जिस तरह हमने 2019 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, और इसका 1 साल तो पेपर हो लिया इसका, पता है आपने, पर लेकिन फिर भी मेरी माँ ने बोली जब यह स्टे लगी, बेटा तेरे कर्मा मको न रहने दे। पर फिर भी मैंने यकीन है, मखा मैं उर आया हूँ, सारे भाई मेरे साथ हैं, मेरी माँ ने बोली देख बेटा जा है ना, तो नौकरी लेके आइए।